जादुई बस का घर। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी जादुई बस के घर की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई बस के घर की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में सुनैना नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। सुनैना के पिताजी ने कर्ज लेकर एक पुरानी बस खरीदी थी। उसी बस की कमाई के जरिए वो सुनैना की पढ़ाई के खर्च के साथ साथ घर का गुजारा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सुनैना के पिताजी की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पूरी तरह टूट जाती है। ये देख सुनैना और उसके पिताजी बहुत दुखी होते हैं। सुनैना के पिताजी बोलते हैं, बेटी मैंने गांव के साहूकार से बहुत सारा कर्ज लेकर ये बस खरीदी थी। अब ये बस किसी काम की नहीं रही। मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? साहूकार बहुत बुरा है, वो किसी पर जरा भी रहम नहीं करता। फिर कुछ दिनों बाद साहूकार की बेटी कल्पना सुनैना के घर आकर उससे पैसे मांगने लगती है। ए सुनैना, मैं अपने कर्ज की रकम मांगने आई हूँ, चल जल्दी से मेरे पैसे दे। देखो कल्पना, इस वक्त हमारे घर की हालात बहुत खराब है। तुम तो जानती हो हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। तुम हमें कुछ महीनों की मोहलत दो, हम धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। लेकिन बेरहम कल्पना सुनैना की एक बात नहीं सुनती। दरअसल कल्पना सुनैना से मन ही मन बहुत जलती थी, क्योंकि सुनैना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी। इस वजह से गांव के सभी लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे। देख सुनैना, अपने पिताजी से कह देना मैं तुम लोगों को सिर्फ एक हफ्ते का समय दे रही हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे पिताजी के पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। पैसे ना चुका पाने के कारण कल्पना सुनैना और उसके पिताजी को घर से बाहर निकालकर उनके घर को हथिया लेती है। उसके बाद मजबूर होकर सुनैना और उसके पिताजी अपनी टूटी हुई बस में रहने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात सुनैना खाना पका रही थी, तभी अचानक सुनैना के सामने आसमान से एक घायल परी आ गिरती है। परी की बुरी हालत देख सुनैना फौरन उसे उठाकर बस के अंदर ले आती है और उसके जख्मों पर महरम पट्टी लगाने लगती है। इस तरह सुनैना रोज उस परी की देखभाल करने लगती है। फिर आखिरकार 3 दिन के बाद उस परी को होश आ जाता है। सुनैना बोलती है, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? देखो तुम्हारे जख्म पूरी तरह भर चुके हैं। अब तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, लेकिन तुम इस तरह घायल कैसे हो गई थी? मैं पृथ्वी से शॉपिंग करके अपने परिदेश लौट रही थी, तभी अचानक से जोरदार बिजली मेरे ऊपर आ गिरी, जिस वजह से मैं घायल होकर बेहोश हो गई थी। लेकिन तुमने सही वक्त पर मेरी देखभाल करके मुझे बचा लिया, वरना आज मैं जिंदा नहीं होती। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारे जैसी अच्छी और ईमानदार लड़कियाँ इस दुनिया में बहुत कम है। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ये सुनकर सुनैना परी को अपने और अपने पिताजी के बुरे हालातों के बारे में सब कुछ बता देती है। सच में तुम और तुम्हारे पिताजी बहुत बुरे दिन काट रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सुनैना की टूटी हुई बस को एक सुंदर जादुई बस घर में बदल देती है। तुम्हारी बस अब जादुई घर में बदल चुकी है, इससे तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। इतना ही नहीं, इस बस को हवा में उड़ाकर तुम कहीं भी ले जा सकती हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने परिदेश लौटना है।
उसके बाद परी हवा में उड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जादुई बस से बने घर को देख सुनैना और उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन से सुनैना लोगों को बस में बैठाकर उन्हें आसमान की सैर कराना शुरू कर देती है, जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। धीरे धीरे सुनैना के हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और वो जादुई बस घर की मदद से ढेर सारे पैसे कमा लेती है। लेकिन फिर एक दिन कल्पना को उस जादुई बस घर के बारे में पता चल जाता है और वो सुनैना से वो जादुई बस छीनने का मन बना लेती है। उसके बाद कल्पना किराए के कुछ गुंडों को लेकर सुनैना के पास पहुंच जाती है। चल सुनैना, सीधी तरह ये जादुई बस मेरे हवाले कर दे, वरना मेरे आदमी तुझे और तेरे पिताजी को जान से मार देंगे। सच में कल्पना, तुम बहुत ही बुरी और बेईमान लड़की हो। हमारा घर हड़पने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी जादुई बस तुम्हें सबक सिखाएगी। लेकिन कल्पना सुनैना की एक नहीं सुनी। फिर उसके बाद कल्पना अपने गुंडों के साथ मिलकर सुनैना और उसके पिताजी को रस्सियों से बांध देती है। लेकिन तभी अचानक बस के अंदर से बहुत सारी जलती हुई मशाल बाहर निकल आती है। ये देख कल्पना के साथ आए गुंडे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद सारी मशाल कल्पना के ऊपर गिर जाती है और उसके शरीर में आग लग जाती है। ये देख कल्पना घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पास के तालाब में कूद जाती है। लेकिन कल्पना को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो तालाब के पानी में डूब जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह उस लालची और बेईमान कल्पना को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ सुनैना अपने पिताजी के साथ जादुई बस घर में सुकून से रहने लगती। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देने वाले लोगों को एक ना एक दिन अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में रश्मि नाम की एक परी रहती थी। उन दिनों रश्मि गर्भवती थी। इस बात से रश्मि बहुत खुश थी, लेकिन अपने आने वाले बच्चे के रंग को लेकर उसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि रश्मि के सांवले रंग की वजह से परिदेश की सभी परियां उसे हीन दृष्टि से देखती थी और साथ ही उसका मजाक उड़ाया करती थी। मुझे अपने होने वाले बच्चे के रंग को बदलने के लिए कुछ करना होगा। कहीं अगर मेरा बच्चा भी मेरी तरह सांवला पैदा हुआ तो जिंदगी भर परिदेश के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मैंने तो किसी तरह सबके ताने सुन लिए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी इसी तरह जिंदगी जिए। उसके बाद रश्मि परी देश के बहुत सारे डॉक्टर और जादूगरों के पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताती है, लेकिन कोई भी रश्मि परी की मदद नहीं कर पाता। फिर एक दिन रश्मि परी अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। सुनो बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम अपने होने वाले बच्चे को लेकर परेशान हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा गोरा और सुंदर पैदा हो। बुढ़िया की आवाज सुनकर वो हैरान हो जाती है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं पृथ्वी की एक बड़ी जादूगरनी हूँ। किसी की भी शक्ल देखकर मैं उसके मन की सारी परेशानी जान लेती हूँ। अगर तुम अपने बच्चे को सुंदर बनाना चाहती हो तो कल इस पते पर पहुँच जाना। अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बच्चे को इतना सुंदर बना दूंगी कि पैदा होने के बाद पूरी परिदेश में सिर्फ उसी की चर्चा होगी। बुढ़िया की ये बात सुनकर रश्मि परी खुश हो जाती है। उसके बाद बुढ़िया रश्मि परी को अपने घर का पता देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन रश्मि परी पृथ्वी पर जाकर उस बुढ़िया से मिलने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसका पति उसे समझाता है।
देखो रश्मि, बच्चों का रंग चाहे जैसे भी हो, हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। बेकार में तुम जादू मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। मुझे पृथ्वी के लोगों पर भरोसा नहीं है। वो लोग धोखेबाजी के लिए बहुत बदनाम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ। आप तो बेवजह सभी पर शक करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को गोरा और सुंदर बनाकर ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह जिंदगी भर सांवला होने का ताना सुने। इस तरह रश्मि परी अपने पति की एक नहीं सुनती और उस बूढ़ी जादूगरनी से मिलने पृथ्वी पर चली जाती है। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार रश्मि परी जंगल में बने उस बुढ़िया के घर के पास पहुंच जाती है। रश्मि को देखते ही बुढ़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मैंने सारी तैयारी कर रखी है। चलो अब तुम इस पत्थर के ऊपर लेट जाओ, मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर रश्मि परी वहाँ मौजूद एक बड़े पत्थर के ऊपर लेट जाती है। फिर अगले ही पल बुढ़िया रश्मि को एक इंजेक्शन लगा देती है, जिस वजह से रश्मि की आंखें बंद हो जाती है और वो गहरी नींद में सोने लगती है। जब रश्मि की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बड़े पिंजरे के अंदर कैद पाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मैं इस लोहे के पिंजरे के अंदर कैसे आ गई? रश्मि पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रश्मि के वार का उस पिंजरे पर कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ बुढ़िया आ जाती है। रश्मि को झटपटाते देख बुढ़िया बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम इस तरह हंस क्यों रही हो, आखिर तुमने मुझे इस पिंजरे के अंदर क्यों कैद किया है? तुम तो मेरा इलाज करने वाली थी ना? अरे मैंने तुझे बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया है ताकि मैं तुझे शैतान को बेच सकूं। परी गुलाम को पाकर शैतान खुश हो जाएगा और मुझे ढेर सारी दौलत देगा। उसके बाद शैतान तुझे और तेरे बच्चे से जिंदगी भर अपनी गुलामी करवाएगा। बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। मेरे पति ने बिल्कुल सही कहा था कि पृथ्वी के लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। काश मैंने अपने पति की बात मान ली होती। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। थोड़ी ही देर में मैं तुझे शैतान के हवाले कर दूंगी। उसके बाद शैतान की गुलामी करने के सिवा तेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। उसके बाद बुढ़िया रश्मि को जंजीर से बांधकर उस शैतान के घर की ओर ले जाने लगती है। तभी अचानक से रश्मि का पति वहां पर आ जाता है। ठहर जा दुष्ट बुढ़िया, मेरे रहते हुए तू मेरी पत्नी और बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर रश्मि का पति अपनी तलवार से बुढ़िया पर हमला कर देता है। ये देख बुढ़िया भी अपनी तलवार निकालकर उसका मुकाबला करने लगती है, लेकिन रश्मि का पति बहुत ही ताकतवर था। वो बुढ़िया की दोनों टांगे काटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। अब मैं तेरी गर्दन काटकर तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मुझे छोड़ दो। देखो मैं आज के बाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे सुधरने का एक मौका दो। नहीं नहीं इसकी एक मत सुनना, हमें इस दुष्ट बुढ़िया को जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करना चाहिए। तुम इसी वक्त इसे खत्म कर दो। उसके बाद रश्मि का पति अपनी तलवार से बुढ़िया की गर्दन काट कर उसे जान से मार देता है। इस तरह उस धोखेबाज बुढ़िया का अंत हो जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने परी देश लौट जाते हैं। फिर कुछ समय बाद रश्मि परी एक हट्टे कट्टे सुंदर बच्चे को जन्म देती है। रश्मि का बच्चा उसी की तरह सांवला था, लेकिन अब इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने बच्चे और पति के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह की बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए
और ना ही कभी किसी अजनबी की बातों पर आसानी से भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शिवाय पछतावे के हमें और कुछ नहीं मिलता।